गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम NCERT इतिहास कक्षा छठी का पाठ 10 नए साम्राज्य और राज्य के पाठ का सार करेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आसानी से आप इस पाठ के बारे में समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की। प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना हरिषेण द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी बच्चों, और हरिषेण समुद्रगुप्त के दरबार के कवि व मंत्री थे। नेक्स्ट है प्रशस्ति। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख जिसके माध्यम से किसी की प्रशंसा की जाती थी। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। यहाँ पर आपको प्रशस्ति का एक चित्र भी दिखाया गया है बच्चों। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। इसके अनुसार समुद्रगुप्त योद्धा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि थे। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कवि हरिषेण चार विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन करते हैं। पहला आर्यव्रत, इन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा दक्षिणापथ के 12 शासक, इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। तीसरा असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तम पश्चिमी के गण या संघ। चौथा बाह्य इलाके के शासक, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है वंशावली। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह हमें समुद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में व पुत्र के बारे में भी बताती है। प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की और कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। कुमारगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, इसके शासनकाल में शिक्षा के केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना, इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुछ विशेष पदों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे, जैसे कुमारामात्य प्रदेश का गवर्नर होता था, सामंत भूस्वामी अधिकारी होते थे, महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का मंत्री, उपरिक मुक्ति के पदाधिकारी, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। 1400 साल पहले अपने पिता और अपने बड़े भाई के मृत्यु हो जाने के बाद हर्षवर्धन थानेसर के राजा बने थे। हर्षचरित, बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया, यानी युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट है पल्लव। पल्लव की राज्य और राजधानी के बारे में जानते हैं। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, और पल्लवों के प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है चालुक्य। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था।
चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो बाद में एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर बने थे। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, जिसमें उनकी चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? इस काल में भी राज्यों का प्रशासन मुख्य रूप से भूमि कर पर ही निर्भर करता था। सभा, ब्राह्मण भूमि स्वामियों का एक संगठन होता था, उर जहां भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे। नागरम, व्यापारियों का एक संगठन होता था। इस पाठ में अभिज्ञान शाकुंतलम का भी जिक्र किया गया है। बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक था जो दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी पर आधारित था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 10 नए साम्राज्य और राज्य पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करती हूँ कि अब आप इस पाठ को आसानी से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।